Yes, we are from Raisen Public School and today we are starting chapter number 3 is from class 9 Hindi. Padavali written by Ras Khan. हम आज रस खान की पदावली के बारे में समझने वाले हैं. ये आता है हिंदी के क्लास 9 हिंदी में चैप्टर नंबर 3 में. जो रस खान थे वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें भगवान की भक्ति जो है वो उसमें बिल्कुल पूरी तरह से खोए हुए थे. ऐसा माना भी जाता है, ऐसा कहा भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको कई सारे मार्गदर्शन दिए थे और इसके कारण उन्होंने अपने जो है जीवन जो है उनका जो जीवन था पूरा जीवन उनकी भक्ति में ही निकल गया था. हाँ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर रस खान का जो जीवन परिचय है यहाँ पर हमने थोड़ा सा उसका आउटलाइन यहाँ पर ली है. जन्म सन 1533 में हुआ था, मृत्यु उनकी 1618 ईस्वी में हुई थी. जन्म स्थान उनका दिल्ली रहा था. वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था. उनका जो वास्तविक मुख्य नाम जो था वो था सैयद इब्राहिम सुजान रस खान एवं प्रेम वाटिका. उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उनकी भाषा ब्रज रही है और शैली मुक्तक रही है. ठीक है, ये हमको इसमें याद रखना है मुख्य आउटलाइन में. हाँ, आगे देखिए, यहाँ पे आगे जो है रस खान जीवन परिचय की हम बात करते हैं. उनके हम जीवन परिचय की बात करते हैं तो रस खान का जो जन्म है वो 1548 में हुआ माना जाता है. उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था. वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे. कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से उन्होंने दीक्षा ली और वन भूमि में जाकर बस गए थे. सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु मानी जाती है. सुजान रस खान और प्रेम बाल्टिका उनकी प्रमुख उपलब्ध कृतियां रही हैं. रस खान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिला करता है. प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रियाज की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है. उनकी जो अनुरक्ति थी, उनका जो प्रेम था सिर्फ कृष्ण के प्रति ही नहीं था, जबकि जहां कृष्ण रहते थे उस कृष्ण भूमि के प्रति उनका अनन्य प्रेम और अनुराग व्यक्त हुआ है. उनके काव्य में कृष्ण की स्पेह माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है. मीन्स भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उनकी भूमि के अनन्य भक्त थे. तो वो उनके यदि उनको यदि वो ऐसा कहते हैं यदि मुझे अगला जन्म यदि मिलता है तो मुझे ब्रज भूमि मिले, मतलब वो उस भूमि में को भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा अनुराग उनके अंदर था. उनके काव्य में कृष्ण की स्वरूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीला का बड़ा ही मनोहर वर्णन है. वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही उनकी भाषा और की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजन शैली के लिए भी उनके हम ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोहर प्रयोग मिलता है. मतलब ये है कि जो रस खान कवि रहे हैं उन्होंने अपने जो काव्य जो उन्होंने लिखा है वो बहुत ही भाव विहल होकर लिखा है, बहुत ही अंदर हार्टफुली उन्होंने उस चीज को लिखा हुआ है. ये उनकी भाषा को पढ़ने पर हमको समझ में आ जाता है. देखिए, हम यहाँ से रस खान की पदावली का प्रारंभ करते हैं. उनकी पहला पद यहाँ पर है, मानुष हो तो वही रस खाने, फिरो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ वस मीरो, चो नित नंद की धन मझारन, पाहन हो तो वही गुरु को जो, धरयो पुर छत्र पुरंदन धारन, जो खग हो तो वसीरो केरो, नित कालंदे कुल कदम्ब की डारन. यहाँ पर स्थान कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं रस खान बन जाऊं, वही रस खान बन जाऊं और मुझको फिर से वही गोकुल की भूमि मिल जाए और मैं गांव के ग्वालों के साथ घूमू, मैं वहां के गांव के ग्वालों के साथ घूमता फिरूं, मैं ऐसा चाहता हूं. और यदि अगले जन्म में जो पशु हो तो कहा वस मेरो, यदि मैं पशु बनता हूं तो मेरा वस तो नहीं है लेकिन चौनित चंदन की धैन मझारन,
तो मैं उस ईश्वर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं नंद की, नंद बाबा की गाय बन जाऊं और मैं उस भूमि में रहूं जहां पर भगवान श्री कृष्ण खेले थे। भगवान श्री कृष्ण ने इस गाय का दूध पिया था, मैं वो उस गाय को, गाय बनना चाहती हूँ, उस गाय को के बारे में उसका उसका नया रूप रखना चाहती हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को जो, और यदि मैं पत्थर बन जाऊं, हे ईश्वर यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत पर रहूं जो धरयो पुर छत्र पुरंदन धारण, जो भगवान श्री कृष्ण ने इसको अपने ऊपर अंगुली पर रखकर छत्र बना लिया था, मैं वही पत्थर उस गोवर्धन पर्वत पर बनूं। जो खग हो तो बसेरो केरो, और यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा वहां पर बनाना है ईश्वर, जहां पर की रोज निरंतर रोज आकर भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर जाकर बैठते थे, उस पेड़ की डाली पर मेरा घोंसला बना देना, वहां मेरा बसेरा कर देना, ऐसा प्रस्थान कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है उसी को डबल दोबारा फिर से एक्सप्लेन किया गया है, व्याख्या यहाँ पर है रिटर्न में किस तरह से, जो उन्होंने पूरा आपको फिर से बता देता हूँ। अगर मुझे दूसरी बार मनुष्य का जन्म प्राप्त हो तो मैं वही मनुष्य का रूप लूं, मेरी पूरी जिंदगी वही हो जहाँ ब्रज गोकुल के गांव के ग्वाल बाल रहते हैं। अगर मनुष्य जन्म मिले तो फिर मेरा इसमें क्या अधिकार है, अतः कुछ भी नहीं। लेकिन यदि पशु यदि होती है तो मेरी यह इच्छा है कि मैं वहां प्रतिदिन देवानंद या फिर जो नंद बाबा थे उनकी गायें चराऊं और उन्हीं के बीच सदा हमेशा घूमता फिरा रहूं, वहीं की गलियों में मैं रहूं और पत्थर बन जाऊं, तो मेरी यह इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत पर जाकर बनूं, जाकर रहूं जहां पर कि भगवान श्री कृष्ण ने जिसे इंद्र के कोप से रक्षा करने के लिए जिसे अंगुली पर उठा लिया था। और इन सब के बावजूद यदि मुझे पक्षी का जन्म भी यदि मिलता है ईश्वर, तो फिर मैं उस कदंब के पेड़ के पास वहां पर मेरा घोंसला हो जहां पर कि भगवान श्री कृष्ण रोज आकर बैठा करते थे। मतलब ऐसा है कि जो रसखान है वो ऐसा चाहते हैं कि यदि वो उन्हें अगले जन्म मिलता है तो भगवान श्री कृष्ण के आस पास ही रहना चाहते हैं, वो उनसे दूर नहीं होना चाहते हैं। हाँ, हम दूसरी पदावली की बात करते हैं रसखान की। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहो पुर कौतजी डारो, आठों से नवो ने धुके सुख नंदन की गाय चराए वेसायो। रसिखान कब है इन आखिन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोट ने हूं काल धोत के धाम करील की कुंजरी ऊपर मारो। यहाँ पर जो रसखान है वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सब कुछ वार देना चाहते हैं वो, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्हें अपनी मातृभूमि की या अपनी बचपन में जहाँ पर वो ब्रज में रहा करते थे उन गलियों की याद आ रही है, और वो रुक्मणी से ऐसा कह रहे हैं कि मुझे यदि लकुटी अरु कामरिया, यदि मुझे वो बांसुरी या वो जो वो छोटी सी लकड़ी मिल जाए और मेरे जो कमर में बांधने वाली छोटी सी कमरिया मिल जाए, करधनिया मिल जाए, ठीक है, तो मैं राज तिहुपुर को तजे डारो, मैं पूरे तीनों राज को अपने, मींस कौन सा राज, पृथ्वी का राज और पाताल का राज और आकाश का, जो तीनों राज्य को, तीनों जो तिहुपुर को जो राज्य है मेरे पास, मैं सबको मैं त्याग दूंगा तजे डारो। ओके, रसखान पदावली का दूसरा पद है यह लकुटी अरि कामरिया पर राज तिहुपुर को तजे डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंदन की गाय चराए विसायन। रसखान कवे इन आखिन ते ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, पोटिन हो काल धोत के धाम करील की कुंजनी ऊपर वारो। यहाँ पर रसखान कह रहे हैं कि यदि भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो अपनी मातृभूमि को याद कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि हे रुक्मणी यदि मुझे फिर से
यदि मुझे वो छोटी सी लकड़ी मिल जाए जिससे मैं बस बांसुरी बजाया करता था, और मेरे कमर में जो कर्धनिया यदि मिल जाए, ठीक है, तो मैं तीनों राज्य, तीनों लोगों के राज्य को त्याग दूंगा। तीनों लोग कौन से? पृथ्वी का राज, आकाश का राज और पाताल का राज, तीनों तीनों लोगों के राज्य को वो त्याग देंगे। वो ऐसा कृष्ण भगवान ऐसा कह रहे हैं कि मेरे पास जो आठों सिद्धियां हैं, आठों सिद्धि नवों निधि, और नौ मेरे पास जो निधि हैं, उन सब के सुख को भी मैं नंद की गाय चराने के लिए त्याग दूंगा। मतलब ऐसा है कि जो रसखान है वो ऐसा कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अपनी मातृभूमि की याद आ रही है, तो वो सब चीजों को त्यागने के लिए तैयार हो रहे हैं। रसिखान कव इन आखिन से, रसखान कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को की आंखों में ब्रज के दर्शन हो रहे हैं, उन्हें उनकी आंखों में वहां के वन, वहां के बाग, वहां के उपवन और वहां के तालाब, तालाब मतलब तालाब, वहां पर उनको दिखाई दे रहे हैं, और वो चाहते हैं कि भाई फिर से उस ब्रज भूमि जाकर बस जाएं, वहीं पर जाकर वो खेलें। कौटिन्य हूँ काल धौत के धाम, करील की कुंजने ऊपर वारों। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए जो पैसे, सोना चांदी के जो सब चीजें हैं, और मेरा जो घर है, मेरा जो धाम है, जहां पर द्वारिका, जहां पर अभी मैं हूँ, वो सब के सब मैं दान में देना चाहता हूँ। यदि मुझे फिर से वही बचपन, फिर से वही लकुटी, फिर से वही कमरिया, फिर से वहां के जो सुख जो है, कहाँ के ब्रज के सुख, यदि मुझे ग्वाल वाल वगैरह सब मिल जाए, ठीक है, ब्रज मिल जाए, वहां के वन मिल जाए, वहां के बाग उपवन तड़ाग मिल जाए, तो मैं पूरी की पूरी चीजों को सब कुछ त्याग दूंगा। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसके व्याख्या की गई है। द्वारिका में रहते हुए श्री कृष्ण को एक दिन ब्रज की याद आ गई। वे उससे व्याकुल होकर रुक्मणी से कह रहे हैं कि हे रुक्मणी, उस लाठी तो उस कमरे के लिए मैं तीनों लोगों का राज्य भी त्याग दूंगा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नंद की गाय को चराने की यदि मुझे मिल जाए, तो मैं ईश्वरत्व और आठों सिद्धियां, जिनमें की पदा, महापदा, संख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नीब और खर्क, इन सभी जो निधियां हैं, ये जो सातों निधियां हैं, निधियों के सुख का त्याग करने के लिए वो तैयार हैं। और वो ऐसा कह रहे हैं कि मेरी आंखों में अब भी ब्रज के वन, ब्रज के तालाब सभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये है कि उन्हें ब्रज की बहुत याद आ रही है, वो उस ब्रज को फिर से अपने बचपन की यादों में देखना चाहते हैं। तब से मैं उनके लिए इतना आतुर हो गया हूँ, वैभव के प्रति करोड़ों रुपए के सोने चांदी के महलों को त्यागने के लिए तैयार हैं, और वो उन सबके लिए अपने पास जितनी धन संपदा उन सबको त्यागने के तैयार है, बस उन्हें बचपन का वही कृष्ण वाला जो बचपन था वो उनको फिर से मिल जाए तो। हाँ, रसखान पदावली नंबर 3 है। मोर पंखा सिर ऊपर राखो, गंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतांबर तेल टोकीवन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरे रसखाने, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरे अधरान धरोंगी। यहाँ पर रसखान कह रहे हैं कि उनके भगवान श्री कृष्ण को चाहने वाली एक सखी है, और वो सखी है वो भगवान श्री कृष्ण की चाह में कह रही है कि मैं मोर पंख सिर ऊपर राखूं, मैं भगवान श्री कृष्ण जैसे मोर पंख के को अपने ऊपर सिर पर रखते हैं, ठीक वैसे ही मेरे सिर पर भी अपने मोर पंख को रखूंगी, और गंजे की माल गरे पहिरोंगी, मतलब जो गजरों की जो माला होती है, गंजे के जो फूल होते हैं, उनकी माला को जैसे भगवान श्री कृष्ण रखते हैं, वैसे ही उनकी माला को मैं भी पहन लूंगी, ओढ़ी पीतांबर ले लेटो कीवन, और मैं अपने ऊपर पीतांबर को ओढ़ लूंगी, और एक लकड़ी जो बांसुरी वो बजाते हैं, ठीक है, सॉरी, मैं उनके जो उन्होंने जो पीतांबर है वो भी वो ओढ़ लेंगी, और वहां पर लाठी भी ले लेंगी, और लाठी को लेकर क्या करेंगी, वो उन जो ग्वाल वाल होते हैं जो गाय बैलों को लेकर जाते हैं, और उनके साथ में गाय बैलों को भी चराऊंगी मैं, उनको
उनकी मैं भी उनकी जो भगवान श्री कृष्ण करते हैं वो सब काम मैं करूंगी। भाव तो हो ही मेरे रसिखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी। और हे भगवान रसिखान यहाँ पर कहते हैं कि भावना में विहल जो सखी है वो कह रही है कि हे श्री कृष्ण, जो भी आप काम करते हैं, जो जो आपने किया है वो सब स्वांग, उन सभी की नकल मैं यहाँ पर आपके लिए करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन हे मुरलीधर, तुम्हारी मुरली को अधराना धरी, अभी तक मैंने उसे होंठ पर नहीं रखा है और अधराना धरूंगी और ना ही मैं उसे फिर कभी अपने अपने होंठ पर रखूंगी। यहाँ पर जो सखी है वो भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी है, जो मुरली है, उसको एक स्वतंत्र के रूप में मान रही है। वो कह रही है कि मुरली को मुरलीधर ने अपने होठों से लगा लिया है और वो मेरी सौतन है, मैं उसको अपने पास में नहीं रखूंगी। मतलब ये है कि वो सिर्फ वैर कर रही हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से जो सखी है वो बहुत ज्यादा प्रेम बता रही हैं, लेकिन वो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो ये नहीं मान रही हैं कि यदि सौतन यदि आती है या मुरली के रूप में ही हो, भले उसका रूप कैसा भी हो, तो वो उसको एक्सेप्ट या उसको मान्य नहीं कर रही है, मान्यता वो नहीं दे रही है किसी भी रूप में। वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को चाहती हैं। हाँ, यहाँ पर जो व्याख्या है वो देख लीजिए, है ना। सखी कहती हैं, हे सखी, मैं श्री कृष्ण के समान बनकर उन्हें रिझाने के लिए अपने सिर पर मोर के पंखों के मुकुट के समान धारण कर लूंगी, कृष्ण के समान ही गुंजों की माला गले में पहन लूंगी, उनके जैसे ही वस्त्रों को पहनकर हाथ में लकुटी या डंडे को लेकर वृंदावन के ग्वाल वालों के साथ गाय को चराती हुई इधर उधर भटकेंगे भी। और स्थान कवि कह रहे हैं, उस प्रेम दीवानी जो गोपी है वो कृष्ण के अपनी सखी से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया उसने कि हे सखी, जिस प्रकार से मुझसे जो कृष्ण जो है मुझसे रीझ करके तनिक संकोच नहीं कर रहे हैं, और तुम भी इतना निश्चय ही जान लो कि मैं किसी भी दशा में उस सौत स्वरूप की मुरली को कभी भी अपने होठों पर नहीं रखूंगी। भाव यह है कि गोपी कृष्ण को हर प्रकार से प्रेम दीवानी होते हुए भी मुरली को सौत के रूप में मानकर उसे भागीदार होना स्वीकार नहीं कर रही है। हाँ, हमारा चौथा पद है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद के सुत व्यास रटे पचिहार तौ पुनि पार न पावे, ताहि अहीरे की छोहरिया उचिया भरे छाछ पे नाचे न चावे। यहाँ पर रसखान कह रहे हैं कि वो ईश्वर जहाँ जिसको कि शेषनाग भगवान, महादेव महेश, भगवान श्री गणेश, सूर्य भगवान और कई सारे देवतागण जिनका निरंतर गुणगान करते रहते हैं, जिसका अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं, अनंत अखंड, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है, जिसका भेद नहीं जाना जा सकता है, जो अजर और अमर और अजन्मा हो, उसके जिस एक ऐसा जिसकी कि वेद जिसकी व्याख्या करते रहते हूँ, ठीक है, सुवेद बतावे, नारद ले सुख व्यास रटे, नारद सुखदेव और व्यास जिनको हमेशा रटते रहते हैं और जिनकी जो महिमा है, पचिहार तहु पुनी पार न पावे, उसके बाद भी कोई उनकी महिमा का पार नहीं पा पाता है, उनके बारे में कोई समझ भी नहीं पाता है कि हे ईश्वर कितने महान हैं, और उन्हीं उन्हीं महान ईश्वर को ताही अहीर की छोहरियां, और उन्हीं महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को अहीर की छोकरियां जो है वो छाछ पे उचिया भरी छाछ पे नाच नचावे, वो कह रहे हैं वो छाछ के लिए भगवान को परेशान कर रही हैं, वो छाछ के लिए भगवान को इधर उधर दौड़ा रही हैं। यहाँ पर रसखान भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए बता रहे हैं कि जिन भगवान श्री कृष्ण का सभी जो देवतागण हैं वो
सभी गुणगान करते रहते, उनको अहीर की छोकरियां जो हैं वो उनको छाछ के लिए इधर उधर भटका रहे हैं, उनके लिए परेशान कर रही हैं। हाँ, यहाँ पे भावार्थ देख लेते हम लोग। महाकवि रसखान का कहना है कि जिस परम आराध्य देव श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान शेषनाग, महेश, गणेश, सूर्य और इंद्र निरंतर किया करते हैं, जिस श्री कृष्ण की अनंत सत्ता को वेद अपने अल्प और किंचित ज्ञान के फलस्वरूप अनादि, अनंत और अखंड, अच्छेद और अभेद बतलाया करते हैं, नारद, सुखदेव और व्यास जैसे महामुनि पंडित भी अपने अनंत प्रलय के बाद भी जिनके स्वरूप को और गति का पता नहीं लगा सके हैं और अंततः हार फेंक कर बैठ गए, ऐसे महाप्रभु श्री कृष्ण के वो ब्रज के अहीरों की लड़कियां छाछिया और अर छाछ के लिए बार बार नचाया करती हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वो महान, वो जो ईश्वर हैं, उनको उन्हें तुरंत छाछ और दही जो भी वो है उनके पास में दे देना चाहिए। यहाँ पर रसखान को, रसखान व्यथित हो रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परेशान हैं और उन अहीरियों की जो छोकरियां हैं, लड़कियां हैं, उनके पीछे वो घूमे। हाँ, देखिए हम यहाँ पर पांचवे पद की बात कर लेते हैं। भूरी भरे अति शोभित सामंज, तैसी बनी सिरे सुंदर चोटी, खेलते खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पारी का छोटी, बाछा विकोर सिखान बिलवत, वारते काम कलान भी कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माथे रोटी। यहाँ पर रसखान कह रहे हैं कि एक सखी है, वो जो सखी है वो भगवान श्री कृष्ण को दूर से देख रही है और वो दूर से क्या देख रही है, भूरी भरे अति शोभित श्याम। भगवान श्री कृष्ण जो है बहुत उन्होंने अपने ऊपर धूल को अपने ऊपर लगा लिया है, धूल उनके चारों तरफ बिल्कुल लगी हुई है, पूरे शरीर में उन्होंने धूल को लपेट लिया है और उस धूल को लपेटने के बाद भी वो क्या कह रही है, भूरी भरे अति शोभित श्याम। जो भगवान श्री कृष्ण है वो श्याम कलर के बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उनके सिर के ऊपर एक सुंदर सी चोटी बनी हुई है, खेलत खात फिरे अंगना, वो खेल रहे हैं, वो इधर उधर दौड़ रहे हैं, उधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। और क्या है, और पग पैजने बाजती पारी का छोटी, उनके पैरों की जो पैजनिया है, जो पैरों में उन्होंने जो पैजनिया बांध रखी है और जो उनके कनों कमर में जो कछोटी बंधी हुई है, ठीक है, जो करधनिया है वो बज रही हैं, बाछा भी को रसिखान विलोकत, भारत काम कला ने भी कोटी। यहाँ पर रसखान कहते हैं कि उस छवि की मैं कल्पना कर और जो सखी उस छवि को देख रही है, वो छवि उस करोड़ों कामदेवों की जो कलाकृतियां हैं या करोड़ों कामदेवों की जो कला निधि है उससे भी बहुत ज्यादा है, काग के भाग बड़े सजनी। और यहाँ पर अस्थान कहते हैं कि हे सजनी, या हम ऐसा कह दें कि यहाँ पर रसखान कह रहे हैं कि जो काग है उसके भाग जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े भाग हैं, कि उसने हरे हाथ सो ले गयो माखन रोटी, कि उस काग को, जो काग है, उसने भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी उस समय ले ली थी। और आज देखिए, आज हम उसको याद करके इतने इस तरह से अपने मन को भाव विभोर कर रहे हैं। यहाँ पर उसका वर्णन और है, व्याख्या है, कोई गोपी अपनी सखी से श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करती हुई कहती है कि धूल से सने हुए शरीर वाले श्री कृष्ण अत्यंत शोभायमान हैं, शोभायमान देखे ऐसी ही शोभा युक्त, उनके सिर के ऊपर सुंदर सी चोटी बनी हुई थी और एक खेलते हुए और रोटी खाते हुए अपने आंगन में घूम रहे हैं, उनके पैरों में पैजनियां बज रही है, वे पीली लंगोटी पहने हुए हैं, उनकी उस समय की शोभा को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों सुंदरताओं को उस पर नछावर कर रहे हैं, और हे सखी, उस कौए का भाग्य बड़ा बहुत ज्यादा अच्छा है, वह कौआ बड़ा सौभाग्यवान है जो
जो श्री कृष्ण के हाथ से माकुल रोटी छीनकर ले गया। ओके, थैंक यू।